हम गायक कुश कुमार मिर्चैया ढाबे वाला उर्फ बाबा के धामे वाला आप लोगन के सामने एक सुंदर बिरहा प्रस्तुत करे जात हैं जेकर शीर्षक शेर और बाबा उदय बिल्कुल लड़ाई बा। बिरहा श्री छठ फूलाल बाबा जी के दिशा निर्देश में भइल बा। ढोलक प्रसाद दे रहल बारन पिंटू कुमार सहानी और हारमोनियम पर साथ दे रहल बारन अशोक मास्टर, कोरस में श्याम लाल श्याम नारायण गोविंद लाल लहरी। बाबू आप लोगन बड़े बड़े वीर का लड़ाई देख लो बाप, कहीं तेगा तलवार का लड़ाई देख लो बाप, कहीं गोला बारूद का लड़ाई देख लो बाप, कहीं कुश्ती देख लो बाप, कहीं पहलवानी देख लो बाप, लेकिन हमारे बिरहा का शीर्षक एक शेर और एक मर्द का लड़ाई बा। लेकिन बाबू गजल का भाव बा, काहे मारे काहे मारे लुनए नास बाढ़ हो, आशिका तोहरा पे बुढ़ावा जवान बा, बतावे होई बतावे ई बतावे लमोर यार मान हो, मालूम तोहरा पर चढ़ल शैतान बा, लेकिन
कवि का लेखनी कैसन बा। हो बीरउदय हो बीरउदय बीरउदय कए दासता न हो रामचंदीपुर बनल या स्थान बा। बात कैसा बरस के पुरान हो मगर सच्ची कहानी का दस्तान बा। बाबा उदयवीर का कहानी बाप और बाबा उदयवीर का मंदिर रामचंदीपुर ढाब में बनल बाप और सब जाने लाप। लेकिन यहाँ हमारे कहानी का शुरुआत बा मास्टर यादव कभी अठाव रहा। उन्हीं के दादा के उन्हीं के दादा के या जा परवाजा रहते थे उन्हीं के दादा के या जा परवाजा रहते थे जन्म ले उदयवीर भक्ति किया करते थे। प्रभु की भक्ति में घर छोड़ चले जंगल में प्रभु की भक्ति कर छोड़ चले जंगल में गाय बछड़ो की सेवा करते रहे मंगल में। उसी जंगल में भालू चीता शेर रहते थे बीरउदयीर बिरनी भीगे भक्ति क्या करते थे। अचानक ये बछड़े को देख ललकारा बीरउदय शेर बछड़े को बाबूजी जालूपुर के छितियुना के निकट में एक गांव परेला जौने गांव का नाम चकरा पर बतावल गई बात। वही चकरा पर का रहे वाला दो भाई रहलन जेकर नाम बुधराम यादव और घुरपत्तर यादव बताल गई बा। बाबू उनके दादा के आजा परवाजे कई कहानी बा। और जब बाबा उदयवीर छोट रहलन बाबू भक्ति में लौलीन रहलन और गाय बछड़न का पूजा करे बाबू जब सयान भइलन तो लेके गाय बछड़ा लेके जंगल में चल देलन। पहले रामचंदीपुर ढाब जंगल रहले बाबू जंगल रहल और उमा कौन आदमी न रहे सिर्फ शेर भालू चीता यह सब रहे। और अचानक एक दिन का बात बात कि ओ जंगलवा में ले एक शेर निकले और उस शेरवा आई के नए नए बछड़न के बाबूजी फार के हो कलेजा खाई के खून पी के चल जाए बाबू खून पी के चल जा एक देख के हो
गाड़ कर के रो ये बाबू। लेकिन बाबू एप्पा बाबा निगरानी करे लगलन कि कवन ऐसन चीज बा श्यावन की हमारे बछड़न के ऐसन करत बाप। एके बाबूजी निगरानी करे लगलन लेकिन चलरिया में भाव निकल। अरे सेरावा गरा जा चला लगू सियाई हो। तब तलक उहर ले एक शेर निकल के आयल और बाबूजी आई के जियो चहलस की बछड़ा फारी। तब तलक बाबा उदय भी रवाज डालो यस मर्द हो तो मुझसे लड़ ले उस बछड़े को छोड़ दे। बाबूजी इतना सुन के हो शेरवा हो पोछिया ये ईट के नैनवा के लाल काल के चलल बा लाल काल काई के चल बे बाबू। जब चलल बाप बाबा उदयवीर भी न गोटा चढ़ाई के बाबू तैयार हो गेलन। शेर आय के सोचला कि बाबा के ऊपर है के ऊपर फार देही। लेकिन बाबू जब आयल तब तलक बाबा उदयवीर ऊपर है के ऊपर दोनों लुल्हा लोक लेलन और दोनों वीर का लड़ाई बाबूजी चालू हो गई और दोनों वीर लड़त लड़त सका सीन हो गई लने बाबू। लेकिन सोरठी का भाव बा और ये करता लड़ैया बीरावा लहलू हान भाई बीर लहूलुहान हो गइलन। लेकिन बाबू दोनों वीर त लड़त बाड़न बाबा अगला पंजाबा त दोनों धैले बाड़न लेकिन पिछला पंजाबा से मार के ये बाबू बाबा का शरीर गया छलनी कर देला सेरवा। बाबा का बाबू नीर गिरत बा ये बाबू। लेकिन एक लाइन और कैसे बा अरे बैठल बैठल बीरा उदाई लिहले अंतिम सतिया अरे लिहले अंतिम सतिया हे र
मा से रवा उठना पवल गहना साई न हो बैठलन हो सवारी भर के शेर का अंतकाल हो गले बाबू और लेकिन बाबा का हो सरिया ककड़ी जैसे फट के बाबू छितरा गई बाबा का भीर नीर सूख गई ले बाबू बाबा वही शेरवा पर बैठल बैठल बाबा का अंतकाल हो गए लेकिन बाबू तेरी बा बिचारी गैया रोवे बन छोड़ी अरे बेचारी गैया रोवे बन छोड़ी पिजड़ा छोड़ के सुगना उड़ गई ले मुंह मोरी बिचारी गैया रोवे बन छोड़ी पिजड़ा छोड़ के सुगना उड़ गई ले मुंह मोड़ी बिचारी गैया रोवे बन छोड़ी बाबूजी बाबा उदय वीर हो मृतक शरीर देख के गैया बाबू बिलखत बाड़ी जे जहां तहां चल गल बाबू क्यों का ठिकाना ना बात लेकिन बाबा के सब कैसे जल से मास्टर तर्जबा झर मड़ौआ जन छप वैया ये बाबा हो झाझर मड़ौआ जन छप वैया ये बाबा हो नदी है सुरू जहवा के लोगबा हो आधे में बैठा हमारे गौआ के लोगबा हो आधे में दूल्हा बहुत सुंदर बा धीरे धीरे बीती गईली धीरे धीरे बीती गईली कुछ दिन समाइया हो धीरे धीरे बीती गईली कुछ दिन समाइया हो अगवा के सुना दसता
शहर का लकाता वासे एक बाया पारी बाबू नैया पे लादी के सामान चला ले बनारस हो कर लो जगार बाबू चला कर लो जगार बाबू चला नैया में मलावा भरल बाठा साठा मैया तो आई गई राम चंदपुरा घटावा में चुप गईली जाला दरा म्यान कुछ दिन बीतल बाप शहर कलकत्ता से एक व्यापारी आवे और बाबू आके यही बनारस के लेते हुए इलाहाबाद तक बाबू अपने सामान के सेल करे बाबू और अचानक एक दिन ओकर नाव आवत आवत रामचंदीपुर के सामने बीच धार में डूब गई बाप। जब डूब गई बाप किसी तरह बाबू अपने साथियन के लेके बाबू बाहर भयल बाप लेकिन बाबू दोहा बा छोड़ के नहीं या वही घाट पर छोड़ के नहीं या वही घाट पर तैर पार से बैले रोम सिर को पीट पीट कर भारी या फट बाबूजी रोज रोज के बाबू कहले बाप कि कोई है ऐसा देवी देवता जो मेरा सहारा हो जात बाबूजी इतना कह के हो रोद बिलखत बाप लेकिन बाबू एक तर्ज बा अरे मन में दुखी तारवे पारी भैया सहैया हो जाना हो बसैया सहैया सपना देखाओ लबी रऊ दई बिचारी लादल कुल समन लहत खुश भइले तिरलो की मन में गांव हरि भजन लहत अरे लगे खरिंदन मंदिर गए अरे लगे खरिदन मंदिर के समनिया नैया बाधल बाप लौट के मंदिर बनवाइए वही जुनिया नैया बाधल बाप लौट के मंदिर बनवाइए वही जुनिया नैया बाधल बाप
चल बाड़न जाय के बेचे चल बाड़न तब जवन सामान बाबू 100 रुपया का 200 का बिकल है बाबू, जौन 1000 रुपया का 2000 का बिकल, डबल दाम पर बिकल है बाबू। लौट के मंदिर आइलन बाबू, लौट के 10 दिन में मंदिर के तैयार कैले बाड़न और पूजा पाठ कैले बाड़न हो बाबा, खुश हो गल बाड़न। लेकिन आल्हा के प्रमाण बा, खुशी हो के बाबा बीरा अरे उदय प्रगट भैले भैया, बोले भक्त व्यापारी से बतिया सुना, मंगला मंगनवा भक्त इच्छा जचै है बेटा, प्रकट भल बाड़न और बाबू काले बाड़न कि बोल भक्त तुझे क्या चाहिए। लेकिन व्यापारी कहले बाप कि बाबा अगर अगर हम में देवल चाहत बाड़ा तब तो 3 वचन बधावा तब मांगब। कहले बाड़न बोल बेटा तुझे क्या चाहिए, तब व्यापारी कहले बाड़न कि बाबा हमारे साथ में तो हाँ कलकत्ता चले के होई, बस हमारी है इच्छा बा। यह कले बारन लेकिन बाबा भी खलन कि सुन बेटा तुम्हारा मनोकामना पूरा मैं करूंगा और एक शर्त मेरी है कि चैत कुवार नवरात्र में और रवि मंगल के अपने मंदिर में रहब और बाकी दिन तोरे साथ रहब जहाँ कहबे तहाँ चलब। यह बाबूजी कहले बाड़न हो वही दिन से बाबा उदय वीर का नाम गिनाए लगल हो। लेकिन बाबू खड़ी बा, मेलावा सच्चे
पूजे लाया के भाता चिलावा मान के मनौती जो की करेला पूजा नवा मान के मनौती होला उपकार बाबू अरे होला उपकार बाबू अरे वो ही बेलवा सच्चे दिल से जो पूजे लाया के भक्ता चला खाले कभी कभी राजनी में प्रगट दिखा ले कैले चमत्कार वीर कैले चमत्कार वीर अरे आला बेलवा सच्चे दिल से जो पूजे लाया के भागता चला मेला लगेला और बाबूजी जे जवन मानवती मल्ले रहला अगर ओके पूरा करेला तो कर बाबा भी पूर्ण करल ने और प्रमाण बाप कि अगर जे भी रात में अगर डहर भी बुला जाला ए बाबू अगर बाबा उदयवीर के याद करेला बाबा उदयवीर ओके स्वयं बाबूजी घर तक पहुंचालन पहुंचावलन लेकिन बाबूजी गुरु घराने का परिचय बा अरे गुरु रमन जी गाय के कविता अरे कितने को दिए सिखाई बाबा उदय वीर की गाथा अरे कुश कुमार दरसाई बिचारी गैया रोवे बन छोड़ी लिखते श्री नाथ मा सारस से कर जोड़ी बिचारी गैया रोवे पारी रोद बाप और जी करद बाप लेकिन बाबू तब तलक व्यापारी के झपकी लग गई बाप जब झपकी लगल बाप बाबा उदय वीर स्वप्न देले बाड़न के व्यापारी मेरा नाम उदय वीर है तो मेरा मंदिर बनवा दे और पूजा पाठ कर दे ते
नाव बाहर हो जाएगी और तू जाकर देख तेरी नाव बाहर हो गई है और मेरा मंदिर बनवा दे। इतना सुनत हो व्यापारी बाबूजी तुरंत उठल बाड़न जाके देखत बाड़न तो सामान जिसको तिर लदल बाप। लेकिन बाबू ये माँ पहपड़ में भाव बा तब देख नैन और पसारी नैया बांधल बाप और नैन खुलल तब देख नैन पसारी नैया बांधल बाप हर सीता मनवा हो गई है व्यापारी नैया बांधल बाप हर सीता मनवा हो गई साथिन के तब अरे नाव पास में गईले हो देख जसका तो समान बाप मन में मन्नत कईले हो अरे लौट के मंदिर बनवाई बाई गिरधारी नैया बांधल बाप लौट के मंदिर बनवाई बाई गिरधारी नैया बांधल बाप चले बनारस खोल नाव व्यापारी नैया बांधल बाप चले बनारस खोल स्वप्न देलन झक के व्यापारी उठ के जाके देखलस नाव बाहर बात जगा के साथिन के गैल बा नाव में मन्नत मान लेलस कि बाबा आपका मैं मंदिर बनवाऊंगा और पूजा पाठ करूंगा तभी यहाँ से जाऊंगा। बाबूजी गैल बाप का भय लगे बाबू दुलाई ना उड़ बा और ये पहुंच